फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेस। यानी आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जो रोज बोले जाने वाली इंग्लिश में काफी इस्तेमाल होता है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां कहते हैं ऊपर से, जैसे आज बहुत गर्मी है और ऊपर से लाइट भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा ऊपर से, तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां कहते हैं ऊपर से, जैसे एक तो मैं बहुत बिजी हूं और ऊपर से तुम मुझे परेशान कर रहे हो, या फिर आप कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, आज बहुत ठंडी है और ऊपर से तेज हवाएं भी बह रही हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं ऊपर से को बोलने के लिए आप वर्ड मो ओवर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं। मो ओवर का मतलब होता है इसके अलावा, इसके अतिरिक्त या ऊपर से। आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि आज बहुत गर्मी है और ऊपर से लाइट भी नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज वेरी हॉट टुडे, मो ओवर देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। आज बहुत ठंड है और ऊपर से तेज हवाएं बह रही हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज वेरी कोल्ड टुडे, मो ओवर इट इज ब्लोइंग हार्ड। यानी एक तो बहुत ठंडी है और ऊपर से तेज हवाएं बह रही हैं, मुझे यह आइसक्रीम पसंद नहीं है और ऊपर से यह बहुत महंगा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट लाइक दिस आइसक्रीम, मो ओवर दिस इज वेरी कॉस्टली। यानी एक तो मुझको यह पसंद नहीं है और ऊपर से यह बहुत महंगा है, एक तो यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है और ऊपर से मेरी बैटरी खत्म होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फर्स्ट इट इज नेटवर्क प्रॉब्लम हियर, मो ओवर द बैटरी इज टू डाई। यानी एक तो यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है और ऊपर से मेरी बैटरी भी खत्म होने को है, मैं आज बहुत बिजी हूँ और ऊपर से तुम मुझको बार बार फोन कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम वेरी बिजी टूडे, मो ओवर यू आर कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। यानी आज मैं बहुत बिजी हूँ और ऊपर से तुम मुझको बार बार फोन कर रहे हो, एक तो तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, ऊपर से तुम सबको डिस्टर्ब करते हो। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फर्स्ट यू डोंट वांट टू लर्न, मो ओवर यू डिस्टर्ब ऑल। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्ड मो ओवर का इस्तेमाल शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।